नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ यारमता सिंह। आऊँ आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित कई अन्य नेताओं ने देशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के मैसूरू में दशहरा उत्सव का किया उद्घाटन, कहा महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है दशहरा का त्यौहार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय जीरो में स्थित एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने जीरो में मल्टीपर्पज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क सहित कई अन्य परियोजनाओं का किया उद्घाटन। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 97वीं फील्ड रेजिमेंट अरुणाचल स्काउट्स की पहली बटालियन और मद्रास रेजिमेंट की 25वीं बटालियन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC पर तैनात होकर देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रदान किया गवर्नर प्रशस्ति पत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई अन्य नेताओं ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक के मैसूरू में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने चामुंडी हिल्स में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की और देशवासियों के कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद लिया। श्रीमती मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि दशहरा का त्यौहार महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है। मैं देवी चामुंडेश्वरी को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। जय तंग देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हरिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मैं देवी चामुंडेश्वरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव मिलता रहे। दशहरा के शुभारंभ के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। कर्नाटका का नाड हब्बा यानी स्टेट फेस्टिवल मैसूरु दशहरा के श्री गणेश के पवित्र अवसर पर मैं कर्नाटका के सभी निवासियों को और मैसूरु के सभी भाई बहनों को विशेष शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। मुझे इस वर्ष के मुख्य दशहरा उत्सव का उद्घाटन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व लोक परंपरा में देवी चामुंडेश्वरी परम पूज्या मानी जाती है। एक लोक परंपरा के अनुसार महाशक्ति ने महिषासुर का इसी क्षेत्र में वध किया था। आदिशक्ति का यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाता है और जन जन के हृदय में विद्यमान भी है। इसका प्रमाण देश विदेश से बसे असंख्य लोगों है जो दूर दूर से देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं। देवियों और स्वजनों, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने तथा सामान्य जनता ने भी सदियों से भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़ रखे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय जीरो में स्थित एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। नए सिविल टर्मिनल बिल्डिंग के बन जाने से जल्द ही जीरो एयरपोर्ट से नागरिक विमान सेवाएं शुरू हो सकेगी, जिससे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जीरो में मल्टीपर्पज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी एक सड़क, PWD द्वारा बनाए गए लोअर रिंग रोड, सेंट कलरेट कॉलेज के प्रशासनिक भवन और सी अमृत सरोवर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर जीरो में बनाए जा रहे 8 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ट्रैक स्थानीय लोगों में साइकिलिंग को बढ़ावा देगा, जिससे वे ज़्यादा फिट रह सकेंगे।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल से अरुणाचल प्रदेश के तेजू तक जाने वाली फ्लाई बिग एयरलाइंस की फ्लाई सर्विस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई उड़ान योजना के तहत यह फ्लाइट सर्विस संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में फ्लाइट कनेक्टिविटी के विस्तार से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 97वें फील्ड रेजिमेंट अरुणाचल स्काउट्स की पहली बटालियन और मद्रास रेजिमेंट की 25वीं बटालियन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC पर तैनात होकर देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने सेना के इन जवानों से आह्वान किया कि वे अरुणाचल प्रदेश में LSC पर तैनाती के दौरान बहुत अधिक चौकसी बरतें। उन्होंने जवानों से किसी तरह की चुनौती आने पर अनुशासन, कड़ी मेहनत और सद्भावना से काम लेने की अपील की। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तुमके बागरा ने आज वेस्ट सियांग जिले के पोपदी गांव में येंगो गुने वन धन विकास केंद्र का उद्घाटन किया। वन धन योजना के तहत स्थापित किए गए इस केंद्र में जैम प्रोसेसिंग, मिक्स वेजिटेबल और चिली प्रोसेसिंग सहित कई अन्य चीज़ों की प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा। अपने संबोधन में श्री बागरा ने महिला स्वयं सहायता समूहों को इस प्रोजेक्ट में समर्पित होकर काम करने के लिए प्रेरित किया और लोगों से सेरी कल्चर फार्मिंग करने और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की अपील की। आलेले लेखो ता नो निजा आकु उनुन ग ये ये आदु को हि हमबना दा नो ये फेडरेशन मो लाखु इदो को हि फेडरेशन हि को ना संबंधक दन ना तो रूरल लाइवलीहुड मिशन आई हमबन मा हि रूरल लाइवलीहुड मिशन गो हि कादो अर्बन लाइवलीहुड मिशन गो हि कादो इदो बंगे हि अरुणा से जारु पेया पाला ग नी दु दाखलो दु मा तंबो मोन को प्लादोन पाना ग ग्रुप तंग हि कामा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा के ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 387 से बढ़कर 2022 में 596 हो गई है। आज अहमदाबाद के सानंद में 350 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल की आधारशिला रखते हुए श्री शाह ने कहा कि इस अस्पताल से सानंद औद्योगिक क्षेत्र के 1,30,000 से अधिक लोगों को फायदा होगा। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाना और तीसरा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर गांव में एक्सपर्ट सुविधाएं पहुंचाना। मित्रों, आज मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, 2013-14 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और ध्यान से सुनना, सिर्फ 387, और 21-22 में 387 से बढ़कर 596 मेडिकल पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। MBBS की सीटें 51,000 थी, इसको बढ़ाकर 89,000, लगभग 90,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। और PG सीटों की संख्या जो 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 60,000 से तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की AE सिविल परीक्षा के पेपर लिखांक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंपने का फैसला किया है। आज राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता और गृहमंत्री बामांग फेलिक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेमा खांडू सरकार ने APPSC की AE सिविल परीक्षा के पेपर लिखान की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को CBI को सौंपने का निर्णय किया है।
इधर भाजपा के अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एई सिविल परीक्षा के पेपर लीक कांड में राज्य सरकार पूरी निष्पक्षता से मामले की जांच करा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य की पेमा खांडू सरकार As Honorable Chief Minister Pema Khandu had said on the day one that government will leave no stone unturned in uttering the truth and no one will be spared. All kind of findings will be taken with iron fist. Today again we are reiterating that paper leakage matter will be deeply investigated. Therefore, government have decided for further inquiry about the matter, government have decided to hand over the case to Central Bureau of Investigation, that is CBI, for free, fair, impartial and swift investigation. और ये चीज we want to tell to the people of Arunachal Pradesh that जैसे Honorable Chief Minister ने कहा, Honorable Chief Minister Pema Khandu जी ने कहा, day one of when the paper leak issue came into circulation, that every involvement, every person who are involved will not be spared. Even if the police have investigated, have gone it too deep into, but still government decided to go further into it to reveal all the truths, whatever is going on in the Public Service Commission. Therefore, once again, I'm telling that the government have decided to recommend the matter of paper leakage to the Central Bureau of Investigation. जोर दिया है इसका उजागर अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समय जब सरकार स्ट्रॉन्गली करप्शन को डील कर रहा है तब ये धीरे धीरे अनअर्थ हो रहा है और जैसे अभी मैंने शुरू में भी कहा है कि दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्टेट वेयर ए डीसी लेवल ऑफिसर्स हैव बीन अरेस्टेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैव बीन अरेस्टेड डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट हैज बीन सस्पेंडेड ना तो आप देख सकते हैं दिस आर द एग्जाम्पल्स दैट आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको भी इस एग्जाम्पल के जरिए से ये मालूम होना है कि गवर्नमेंट इज नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड एज पर एज डीलिंग विद द करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस आर। सशस्त्र सीमा बल SSB के 38वीं बटालियन ने आज अपने 16वीं स्थापना दिवस के अवसर पर तवांग में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तवांग के विधायक शेरिंग ताशी, जिला उपायुक्त के एंदामो, पुलिस अधीक्षक बी कामदुक सहित कई अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री ताशी ने SSB के योगदान की सराहना की। एक अन्य कार्यक्रम में विधायक शेरिंग ताशी और जिला उपायुक्त के एंदामो ने तवांग स्थित दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों एवं शिक्षकों से संवाद किया। वेस्ट कामेंग जिले के बालुकपोंग सब डिवीजन के तहत आने वाले टिप्पी इलाके में शनिवार को हुए भारी भूस्खलन के कारण अब तक बालुकपोंग से तवांग के रास्ते पर यातायात सामान्य नहीं हो सका है। सीमा सड़क संगठन BRO ने बालीपारा चार द्वार तवांग रोड पर यातायात सामान्य बनाने के लिए अपनी मशीनरी तैनात कर दी है। वेस्ट कामेंग के जिला उपायुक्त कर्मा लेकी ने एक एडवाइजरी जारी कर बालुकपोंग से तवांग या तवांग से बालुकपोंग जाने वाले यात्रियों से ओरांग कलाकतांग शेरगांव रूपा तवांग रोड का इस्तेमाल करने की अपील की है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक उद्यमी सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। हम लोग एक RKBY राफ्तार प्रोजेक्ट का अंदर में एक एंटरप्रेन्योर मीट काम अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप लोग को ये बताने के लिए हम खुशी लग रहा है कि ये जो RKBY राफ्तार का जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है अंदर द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये 2019 में हम लोग शुरू किया था। तो इसके ज़रिए हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का
जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है, तो सुविधा का अनुसार इस प्रोग्राम में अभी तक हम आगामी 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को ताली विधानसभा क्षेत्र बैडमिंटन क्लब द्वारा चिंपू स्थित बैडमिंटन कोर्ट में एक बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। ये चैंपियनशिप 2 अक्टूबर तक चलेगी। ताली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ताकाम सोरांग ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ, ये आउट ऑफ माइंड भी बोलता है। जब एक दूसरा को देखेंगे, बात करेंगे, तो लोग का यूनाइटी, लोग का सोच पॉजिटिव में आता है। तो यही मेन मकसद था। और हमारा जैसे हमारा ताली का आदमी तो स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, डिफरेंट फील्ड में बहुत है। तो बैडमिंटन हम लोग लेट स्टार्टर है, अभी चल रहा है। अभी इस बार से देख के ये एनुअल इवेंट में हम लोग लेने का कोशिश करेगा, बाद में डिफरेंट लेडीज लोग को भी मौका देने का कोशिश करेंगे। ये मेन इवेंट है हमारा गांधी जयंती को, महात्मा गांधी का को भी रेस्पेक्ट करते हुए, तो 1 वीक का प्रोग्राम है। ये 2 अक्टूबर को कल्मिनेशन होगा, उसमें फाइनल खेलेंगे, उसमें हम लोग ब्रा वे में सेलिब्रेशन होगा। ओ बैडमिंटन के जरिए बैडमिंटन खेल खेल के हम 90 ईयर्स तक लती नहीं पकड़ेगा, इसलिए मैं बैडमिंटन रेगुलर खेलता हूँ। अभी 6 पॉइंट नहीं खेला, कुछ इशू था। बैडमिंटन का बारे में मैं बहुत रिसर्च किया हूँ। बैडमिंटन आपको 9 इयर्स तक लाइफ एक्सटेंशन दे सकता है, मतलब आपको मरना है आपका एज का लाइफ स्पन जो है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे आज ईटानगर पहुंचे। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए श्री चौबे मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर स्थित दोरजी खांडू ऑडिटोरियम में खेल प्रेमियों से संवाद करेंगे। नाहरलगन हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में श्री चौबे ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएँ हैं। देखिए, ये मेरा भी पहला दौरा है अरुणाचल में, और भारतीय फुटबॉल संघ के, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के किसी भी प्रेसिडेंट पहली बार अरुणाचल में आ रहे हैं, और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और जो कि अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने एक फुटबॉल का माहौल बनाया है, और लगातार मैं उनसे जब संपर्क में रहा, उन्होंने हमेशा इस विषय को सामने रखा, चर्चे में रखा कि अरुणाचल में फुटबॉल के लिए बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है। हालांकि लॉजिस्टिकली कुछ प्रॉब्लम है, हम जानते हैं, इस कारण से इन बच्चों को वो सुविधा मिलने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है, जो दूसरे प्रदेश के बच्चों को नहीं उस कठिनाइयाँ है। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुणाचल आगे चल के यहाँ के बहुत सारे बच्चे भी नेशनल फुटबॉल में खेलने के लिए कामयाब होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं तो ये कहूँगा, देखिए, मैं अभी आसाम से आ रहा हूँ। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेश यहाँ पर फुटबॉल एक ऑटोमेटिक चॉइस है। 2 कारण हो सकता है, एक बच्चों जब बचपन से स्कूल जाते हैं तो उनको जिस कारण से जो इंक्लाइनेशन चल के जाना पड़ता है, उनके लोअर मसल बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जो है एक एथलीट के लिए, एक फुटबॉलर के लिए बहुत एडवांटेज है, जो बहुत कम समय से उसका फिजिकल जो ग्रोथ है बहुत एथलीट की तरह होता है। इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे बच्चे आप देखेंगे भारत में, दूसरे प्रदेशों से बच्चों से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी एंड्योरेंस अच्छा होता है, और इनके जो क्विकनेस है वो भी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यदि इनके बेसिक्स पे काम किया जाए, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, जो हम जिसे ग्रास रूट डेवलपमेंट कहते हैं, यदि ग्रास रूट पे काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ अरुणाचल और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेश के बच्चे उन लेवल में फुटबॉल खेल सकता है जो कि असम राइफल्स ने रविवार को चांगलांग जिले के जयरामपुर में एक्सिस बैंक और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीदो के साथ एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए। इसके तहत दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश के कमजोर वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद मुहैया कराई जाएगी।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।